डियर स्टूडेंट्स आई वेरी वाल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टुडेज लेक्चर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल और एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्या है और कॉस्ट कंट्रोल के रेफरेंस में किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है इस टॉपिक को मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था आज के लेक्चर में हम इन कॉस्ट कंट्रोल की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कंट्रोल की प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो क्यों इन्वॉल्व है वाई इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट पॉइंट इन दिस रेफरेंस इज दैट इज इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि किसी भी पर्टिकुलर फर्म का प्रॉफिट उसके रिवेन्यू और कॉस्ट के डिफरेंस के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है यानी कि प्रॉफिट इज इकल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट अब क्योंकि रिवेन्यू उसके कंट्रोल में नहीं होता है लेकिन जो कॉस्ट है वो उसके कंट्रोल में होती है यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली कॉस्ट कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हो पाती है तो वो अपनी कॉस्ट को मिनिमम लेवल तक ले जाएगी और जब उसकी कॉस्ट मिनिमम लेवल तक बढ़ जाएगी तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी यानी कि कॉस्ट को कंट्रोल करने से ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने में सक्सेसफुल हो पाती है सेकंड पॉइंट इज वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल सबसे बड़ी बात क्या होती है कॉस्ट कंट्रोल में उन सारी अननेसेसरी कॉस्ट को सर्च किया जाता है जो कॉस्ट को रेज करने में अपना रोल प्ले करती हैं और उनको अगर कम कर दिया जाता है या उनको हटा दिया जाता है तो इससे ऑपरेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो इससे क्या होता है आप उन सारी अननेसेसरी एक्टिविटीज को अपने बिजनेस के सिनेरियो से डिलीट कर देते हो इससे क्या होगा इससे जो रॉ मटेरियल है उसकी जो वेस्टेज है वो भी लगातार कम होती चली जाएगी क्योंकि अननेसेसरी एक्टिविटीज पर आपको रॉ मटेरियल को फॉलो नहीं करना है तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की वेस्टेज ही बचेगी स आप जब अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने में कैपेबल हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप उस कम कॉस्ट के साथ में प्राइस को भी कॉम्पिटेटिव करने में कैपेबल हो गए और जब आप प्राइस को कॉम्पिटेटिव वे में डिसाइड करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक कॉम्पिटेटिव एज प्रोवाइड करेगा और आपकी जो कॉम्पिटेटिव स्किल है उसको वो इंप्रूव करेगा क्लियर नेक्स्ट वन इज द रिड्यूस द प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट सबसे खास बात है कॉस्ट कंट्रोल कर ली यानी कि कॉस्ट को आप रिड्यूस कर देते हो कंट्रोल भी करते हो और कंट्रोल करने के साथ साथ आप इसको रिड्यूस भी कर देते हो और जब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो आप एक पोजिशन में हो कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस कर सकते हो और इस रिड्यूस प्राइस के बेसिस पर मार्केट में प्रॉपर वे में कॉम्पिटिटर से फाइट कर सकते हो यह भी आपके लिए एक एडवांटेज बनता है नेक्स्ट वन इज द रिड्यूस द कॉस्ट दैट इज ऑब्वियस कॉस्ट कंट्रोल का सबसे मेन पर्पज क्या होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, उन को सर्च करना और उनको से हटा देना डिलीट कर देना ये पर्पज होता है कॉस्ट कंट्रोल का तो इससे क्या फायदा होगा जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपकी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी सिक्स पॉइंट इंक्रीज मोर आउटपुट फ्रॉम द सेम इनपुट कॉस्ट कंट्रोल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आप सेम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर लोगे क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब होगा आपके पास अगर सेम इनपुट्स अवेलेबल है तो अब आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर आप अगर उसी आउटपुट को ऑपरेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले के मुकाबले कम इनपुट का यूज करना पड़ेगा दैट इज ओनली पॉसिबल वेन यू आर टेबल इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दट इज क्लियर तो यह तो बात हो गई अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल अब हम बात करेंगे टूल्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम किन किन पर्टिकुलर टूल्स का यूज करते हैं तो इन टूल्स में मैंने इसको चार पार्ट में या चार टूल्स की स्टडी करेंगे यहां पर हम पहला इसके अंदर बजटी कंट्रोल क्या होता है बजटी कंट्रोल आपने सुना होगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या करती हैं अपने को कंटिन्यू करने से पहले एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट डिसाइड करती हैं बजट का मतलब होता है इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को इंक्लूड किया जाता है जो आने वाले समय में या आने वाले साल में फॉलो किए जाएंगे यानी कि अपकमिंग ईयर में रेवेन्यू के क्या क्या, -क्या सोर्सेस है फर्म के पास और कहां कहां उसको पैसा अपना खर्च करना है उसके रेफरेंस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है एक बजट प्रिपेयर करती है यह एक एडवांस स्टेटमेंट होता है और इसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है कैसे करती है प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल इट एंड फाइनेंशियल एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स द फर्म एंटिसिपेट्स प्रॉब्लम्स एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू सॉल्व देम इट डिफाइंस द कॉमन गोल्स एंड कम्युनिकेट द सेम टू ऑल द एक्टिविटी सेंटर्स ऑफ द फर्म फॉर कॉर्डिनेशन कुल मिला के जो बजट है उसमें डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है भाई जो उसका रिवेन्यू है वो केवल और केवल सेल्स डिपार्टमेंट से ऑप्टेन होता है यानी कि उस पर्टिकुलर रिवेन्यू को कहाँ कहाँ उसे खर्च करना है उसके रेफरेंस में वो क्या करता है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को फॉर्म करता है और हर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के रेफरेंस में कॉस्ट को फिक्स कर देता है ठीक और उन एक्टिविटी सेंटर्स को उनके गोल प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं कि इस दिए हुए एक्सपेंडिचर से उन्हें किन किन गोल्स को अचीव करना है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ बजट प्रोसेस इसके साथ साथ द बजट ऑल्सो इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट चेकिंग एवेल्यूशन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट कंपेयर्ड विद द बजट गोल्स फॉर कंट्रोल सो एज टू टेक करेक्टिव एक्शंस यानी कि जो जो एक्टिविटी सेंटर्स ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किए हैं और उनको उनके कॉमन गोल्स डिफाइन कर रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके लिए एक एक्सपेंडिचर फिक्स कर रखा है अब जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर होता है उसको बजटरी एक्सपेंडिचर से कंपेयर किया जाता है और उसको प्रॉपरली इवेल्यूएट किया जाता है अगर इवेल्यूएशन में एक्चुअल रिजल्ट्स बजटरी रिजल्ट से या बजटरी गोल से डिफर है या कम है डिफर का मतलब कम है तो उनको करेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के स्टेप्स को फॉलो करती है जिससे कि जो आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैं उनको बजटरी एक्सपेंडिचर से मैच किया जा सके और कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके ओके द सेकेंड टूल इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का द टर्म स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हैज बीन डिफाइंड एज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ऑफ एफिशियंट ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग फैक्टर्स यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट टाइप के टेक्निकल और इंजीनियरिंग फैक्टर्स का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करते हुए क्या करती है स्टैंडर्ड्स को फॉर्म करती है जैसे कि ऑपरेशन को एफिशियंटली परफॉर्म किया जाए तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का नाम देते हैं और ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से जानी जाती है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब उन प्री डिटरमाइंड कॉस्ट से है जो मैनेजमेंट के द्वारा ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग फैक्टर्स द कॉस्ट स्टैंडर्ड्स मे बी सेट फॉर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स और फॉर मार्केटिंग यानी कि इन कॉस्ट स्टैंडर्ड्स का यूज किया जाता है डायरेक्ट मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट लेबर को कंट्रोल करने के लिए ओवरहेड्स को कंट्रोल करने के लिए और यहां तक कि जो आपकी नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी है जैसे कि मार्केटिंग उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं अब यह बात आती है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है तो यहां मैंने कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो कर रखे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रेफरेंस में द फर्स्ट स्टेप इज प्री डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन सबसे पहले आपको क्या करना है प्रोडक्शन से रिलेटेड जो टेक्निकल डेटा है उसको डिटरमाइन कर लेना है पहले आपको उस टेक्निकल डेटा को इकट्ठा करना है कलेक्ट करना है और उसे एक जगह आपको राइट ऑफ कर लेना है दैट इज द फर्स्ट स्टेप देन व्हाट यू विल डू प्री डिटरमशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वेदर इट इज इन रेफरेंस ऑफ लेबर मटेरियल एंड ओवर लेबर मटेरियल एंड के रेफरेंस में आपको एक स्टैंडर्ड कॉस्ट को प्री डिटरमाइन कर लेना है इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स को कंसिडर कर सकती है और उसके बेसिस पर इन पर्टिकुलर कॉस्ट के एलिमेंट्स के रेफरेंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट को प्री डिटरमाइन कर देती है यानी कि वो कॉस्ट जो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है उसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का नाम देंगे पहले स्टेप में आपने टेक्निकल डेटा को डिटरमाइन किया है और दूसरे स्टेप में आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को प्री डिटरमाइन करा है तीसरे स्टेप में क्या करोगे जो आपके पास एक्चुअल परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू स्टेप वन और जो आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है एज पर स्टेप नंबर टू इन दोनों को आप कंपेयर करोगे थर्ड स्टेप में और ये देखोगे कि क्या इन दोनों में कोई वेरियंसिस है अगर दोनों में कोई वेरियंसिस नहीं है देन योर परफॉर्मेंस इज ओके यानी कि आपकी जो कॉस्ट है वो प्रॉपर कंट्रोल में है लेकिन अगर इन दोनों में कोई भी वेरियंसिस आपको दिखाई देते हैं तो आप फोर्थ स्टेप में ये आइडेंटिफाई करोगे ये डिटरमाइन करोगे कि इस वेरिएंसेस के पीछे क्या क्या रीजंस हैं यानी कि अगर लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है मटेरियल कॉस्ट उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है या फिर ओवरहेड कॉस्ट उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है तो इन बढ़ी हुई कॉस्ट के पीछे रीजन्स क्या हैं क्यों ये ज्यादा है इनके आप प्रॉपर रीजन को सर्च आउट करोगे क्लियर रीजन को सर्च आउट करने के बाद मूव टू देयर यानी कि आप क्या करोगे अब इन पर्टिकुलर नॉन स्टैंडर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के बाद देन यू विल मूव टू द लास्ट स्टेप सी टू देंट सो एज टू टेक करेक्टिव एक्शंस यानी कि इन नॉन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की वजह से जो भी आपको लॉस हुआ है या जो इन एफिशियंसी जनरेट हुई है उसके बारे में एक टोटल रिपोर्ट तैयार करोगे और उस रिपोर्ट को मैनेजमेंट के सामने प्रजेंट किया जाएगा फिर मैनेजमेंट क्या करेगा उस प्रजेंटेशन के बेसिस पर उन पर्टिकुलर परफॉर्मेंसेस को इंप्रूव करने के लिए या एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए करेक्टिव एक्शंस को फॉलो करेगा और फिर वो इंप्लीमेंट करेगा और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से कॉस्ट को प्रॉपर वे में कंट्रोल कर सकते हो ओके okay? तो ये बात हो गई अबाउट द सेकेंड टूल दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसके रेफरेंस में बाकी जो टूल्स रह गए हैं हमारे उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू